ये बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय है और इसके ठीक बगल में ही पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए सेवानिवृत्त जो है ओटी अटेंडेंट अभय कुमार द्विवेदी जी आज से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आप इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएमएचओ कार्यालय के जस्ट सामने बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं स्थानीय सीएमएचओ कार्यालय से। इनका पेंशन प्रकरण काफ़ी लंबे समय से अवरुद्ध रहा है, जिसे लेकर इन्होंने पत्रकार आज 6 मार्च 2024 से आमरण अनशन की शुरुआत की है। अभय कुमार जी बताएंगे क्यों आपको आमरण अनशन की ज़रूरत पड़ी है। हमें ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने पहले विभाग में लिखा पढ़ी की है। क्या हुआ कि हमें 30 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद हमको विभाग से जानकारी मिली कि पेंशन नहीं दे रहे हैं। जब पेंशन नहीं दे रहे तो हमने फिर पत्राचार किया। पत्राचार करने के बाद भी हमको कोई उसका लाभ नहीं मिला। फिर हमने एक पत्र दिया कि हम यहाँ पर उसमें धरना देने बैठ रहे हैं और 5 जनवरी को हम धरना देने बैठे हैं। 5 जनवरी 2024 को जब यहाँ हमने एक दिवसीय धरना दिया यहाँ पे, तो सीएमएचओ बालाघाट ने हमसे बोला कि आप धरना अपना बंद कर दें, हम 15 दिन में आपकी मांगे जो है उनका निराकरण करवा देते हैं। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। जब एक महीना पूरा हो गया, ख़त्म होने वाला था, हमें 28-29 को फिर पता लगाया हमने जनवरी में, तो समय तक कुछ नहीं हुआ था। फिर हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया, विभाग को ज्ञापन दिया और ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय तक को भेजा है, संचालनालय को भी दिया है और सेक्रेटरी महोदय को भी भेजा है, लेकिन आज तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब हम यहाँ धरना प्रदर्शन 6 फरवरी को बैठे, उस समय तक हमको कुछ नहीं हुआ था, हमने पेंशन वेंशन नहीं दी। उसके बाद फिर पेंशन आई, इनमें कहा 90% दे रहे हैं। भाई 90% क्यों दे रहे हैं? जब हमारी सेवा में न कोई जांच लंबित है, कोई भी जांच लंबित नहीं है, न कोई जांच हुई न लंबित है, और न कोई आपराधिक मामला हमारा कोई उसमें विभाग में लंबित है, कोई आपराधिक मामला भी नहीं है, फिर 90% पेंशन क्यों? ये तो हमारी बेइज्जती की जा रही है। भाई हमको जो है, हमको समाज में हम क्या मुँह दिखाएं? समाज वाले पूछते हैं हम तक 90% क्यों मिल रही है, हम क्या जवाब देंगे? हमने ईमानदारी से पूरे 35 साल सेवा किया है, लेकिन विभाग ने हमको अंत में ये दिया है कि हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है आज भूख हड़ताल। अब विभाग से अपेक्षा ये की जा रही है कि भूख हड़ताल करेंगे तो हो सकता है कि विभाग कुछ चेत जाए, ये तो हम तो बैठे हैं। अभी 90% दे रहे हैं लेकिन वो हमारे कोई काम नहीं, जब तक पूरी पेंशन नहीं मिलती है। आज से आमरण अनशन, आज से हमारा आमरण अनशन प्रारंभ हुआ है, अभी निरंतर चलेगा जब तक विभाग हमारी मांगे नहीं मानेगा। मांग वही है कि पेंशन प्रकरण निराकरण। मांग हमारी ये है कि पेंशन प्रकरण हमारा पूरा पेंशन मिलना चाहिए और नियमितीकरण का हमारा जो रोक के रखा हमने उप संचालक कार्यालय से, उसका निराकरण होना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए।